जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और ये भर्ती ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको उसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं पूरी जानकारी। दोस्तों पहले मैं यहाँ से आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूँ। एप्लीकेशन बिगिन यानी कि कब से आप इसके फॉर्म फिलअप कर पाओगे, तो आप 15 अक्टूबर 2019 से इसके फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट टू अप्लाई 11 नवंबर 2019 रखी गई है, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2019 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा, और वो स्पेशल चीज़ ये है कि जैसे ही 15 अक्टूबर को इसका फॉर्म फिलअप का लिंक एक्टिवेट होता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट यानी कि कब तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर पाओगे, तो आप 13 नवंबर 2019 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर पाओगे। यहां पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी जारी की जाएगी। अब दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस भी देख लीजिए। जनरल OBC और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ₹600 एप्लीकेशन फ़ीस है, और SC ST PH के लिए ₹150 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी ₹600 एप्लीकेशन फीस है, यही अदर स्टेट के लोगों को पे करनी होगी, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट से इसमें अप्लाई करते हो तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप वहां पर जनरल कैटेगरी के अंदर जोड़े जाओगे और आपको ₹600 एप्लीकेशन फीस देनी होगी। और ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम या फिर आप ई चालान मोड से भी जमा कर सकते हो। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन माध्यम से करना चाहते हो तो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके करनी होगी, और अगर आप ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हो तो आपको ई चालान मोड से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। अब यहां पर दोस्तों आप वैकेंसी डिटेल भी देख लीजिए। इसमें जो टोटल पद निकाले गए हैं वो 637 है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 542 पद है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 95 पद है, और एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज लिमिट 21 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। 4 एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2018 ओल्ड कैंडिडेट्स रीड द नोटिफिकेशन। दोस्तों जो लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट आया था 5/2018 का, जो भर्ती पूरी नहीं हो सकी उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप इसका एडवर्टाइजमेंट रीड कर लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले, जिसका लिंक मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको रीड कर पाओगे। अब दोस्तों जो आपकी आयु सीमा है, इसमें SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी और OBC कैटेगरी को 3 साल की छूट दी जाएगी, और ये सिर्फ जो झारखंड के निवासी हैं उन्हीं लोगों को दी जाएगी। अदर स्टेट से किसी भी कैंडिडेट को ये छूट नहीं दी जाएगी। एलिजिबिलिटी यानी कि आवेदन करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें जो जनरल एक क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है वो ये है कि आपके पास या तो BE या फिर BTEC होनी चाहिए, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो उसमें। जैसे कि अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपके पास जो BE BTEC की योग्यता है वो सिविल के अंदर होनी चाहिए, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो वो मैकेनिकल के अंदर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए कितने पद निकाले गए हैं। अब मैं आपको सीधा के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ और वहाँ से भी आपको एक झलक दिखाता हूँ। अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप प्रत्येक पोस्ट की, प्रत्येक सर्विस की वैकेंसी डिटेल जान सकते हो कि किस पोस्ट की वैकेंसी किस सर्विस के अंदर होगी, आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर देख सकते हो, और साथ ही किस पोस्ट के लिए कितने पद है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसके अलावा जो आपकी आयु सीमा है यहाँ पर आप देख सकते हो वेतनमान यानी कि आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों जो आपको सैलरी दी जाएगी वो ₹9,300 से लेकर 34,800, साथ ही आपको ₹5,400 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो आपकी जो आयु सीमा है वो देख सकते हो। इसके अलावा आपको अभ्यर्थी के पास यानी कि क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर मेन एलिजिबिलिटी आपको बताई है, आप एक एक करके अच्छे से जान सकते हो। ये आपके पास होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो। आरक्षण का लाभ किन्हें दिया जाएगा वो आप यहाँ पर रीड कर सकते हो, और प्रतियोगिता स्तर यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटा से है उनको किस तरह से छूट मिलेगी और किस तरह से नहीं मिलेगी उनके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब दोस्तों अगर एग्जाम
एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात की जाए तो मैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि आपको ये जानकारी समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े और आप आसानी से उस जानकारी को समझ सको। तो ये आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन है, मैं आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस लिंक को ओपन करके रीड कर लीजिए, और रीड करने के बाद अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है जानकारी समझने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।